हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिज़ाइन करेंगे स्लैब को विद द हेल्प ऑफ आरसीडीसी सॉफ्टवेयर। कैसे हम लोग स्टैट फाइल को कैसे हम लोग आरसीडीसी सॉफ्टवेयर में लेते हैं और क्या क्या इनपुट्स हैं जो हमें देने पड़ते हैं स्टैट में, और कैसे हम लोग डिटेलिंग और पूरा डिज़ाइन रिपोर्ट कैसे निकालते हैं हम लोग आरसीडीसी सॉफ्टवेयर से। सो इस चीज़ को हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले आपको आरसीडीसी सॉफ्टवेयर में स्लैब डिज़ाइन करने के लिए एक इनपुट फाइल, एक मतलब फाइल, स्टैट फाइल आपको होनी चाहिए जिसको आप इंपोर्ट करेंगे आरसीडीसी सॉफ्टवेयर में। जैसा कि इसके पहले मैं वीडियो बनाया था उसमें इस फाइल को मैं एनालिसिस किया था, इसकी मॉडलिंग करके इस पर लोड लगा के कैसे इसके डिज़ाइन करते हैं स्टैट में, और एनालिसिस में मैंने थोड़ा आरसीडीसी सॉफ्टवेयर में मैंने थोड़ा स्लैब की डिज़ाइनिंग की भी थी, बट डिटेल में नहीं, तो इस वीडियो में मैं डिटेल में करूँगा। ओके, सो ये मेरा मॉडल है G+5 रेजिडेंशियल बिल्डिंग का। ज़्यादा जानने के लिए पिछला वाला वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें जो स्लैब थी उसकी थिकनेस 150 रखी थी, और जो ये बीम है 350x350 की बीम है हमारी। ओके, बट आरसीडीसी सॉफ्टवेयर में स्लैब की थिकनेस आप चेंज कर सकते हैं, और जो लोड आपने इसमें दिया है आप उसमें आरसीडीसी सॉफ्टवेयर में चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आपको लोड लेना है। ओके, सो इसको बंद करते हैं। जब भी आप स्टैट फाइल खोलें, अगर आप सेम फाइल को अगर आपको करना है आरसीडीसी में इंपोर्ट, तो आप इसको एनालाइज करके ही छोड़ें, अदरवाइज़ आरसीडी सॉफ्टवेयर में ये एरर बताएगा आपको। ओके, रीड नहीं कर पाएगा, तो एनालाइज करके आपको जस्ट इसको बंद कर देना है। तो हमारा सबसे पहले देख लेते हैं क्या इनपुट्स, डेड लोड हमारा ले लेगा ये आरसीडीसी, जो स्ट्रक्चर का डेड लोड होगा। लाइव लोड मैं लेता हूँ 3 kN/m² और 1.5 kN/m², फ्लोर फिनिश लोड थिकनेस 150 mm ही रखूँगा, जैसे कि मैं स्टैट फाइल में ही ले रखा हूँ। तो यहाँ से आरसीडीसी में क्लिक करता हूँ। आरसीडीसी सॉफ्टवेयर में जाने से जैसे ही जाएंगे आप, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी, प्रोजेक्ट कुछ भी, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ABC। ओके, सो यहाँ ABC नाम हो गया, तो क्लाइंट का नाम भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो भी आपका क्लाइंट है। यहाँ ABC दे देता हूँ। IS कोड IS456 पहले ही से बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, नहीं सेट है तो आप सेट कर सकते हैं। तो मैं उस फाइल स्टैट फाइल को यहाँ से ओपन कर लूँगा। तो जैसे डिजाइन एलिमेंट, आपको एलिमेंट्स कौन कौन से डिज़ाइन करने हैं, फुटिंग करनी है, कॉलम करना है, बीम करना है, स्लैब करना है। तो बीम और कॉलम के केस में आपको ये लेवल पे, मतलब एक लेवल पे आप एक बार में जितने, जैसे हमारा 4 5.5 पे हमारी स्लैब्स हैं, जितनी 10 स्लैब हैं टोटल, तो एक बार में एक ही लेवल की स्लैब को हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं आरसीडीसी सॉफ्टवेयर में। ओके, एक साथ नहीं कर सकते। तो आपको एक साथ करना है तो आप कैड फाइल ले लेंगे और उसमें कैड में सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। ओके, सो स्लैब की डिज़ाइन तो ऑल ओवर जितने भी फ्लोर हैं सबके लिए सेम ही होगी ऑलमोस्ट। ओके, सो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। ये आपके मॉडल को रीड करेगा। ओके, रीड करने के बाद तो हमारा राइट साइड में देख सकते हैं हमारी जो स्लैब है उसका लेआउट बन के आ गया है, उनकी बीच की स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर आ गई है, और ये हमें लेआउट मिल गया एट द लेवल ऑफ 5.5 मीटर। ओके, सो राइट साइड में हमारा डिज़ाइन डेटा है, इसमें हम मैनुअली हमें लोड इनपुट्स देने पड़े हैं, लोड की वैल्यू देनी पड़ती है हमें। तो इम्पोज लोड और लाइव लोड, इन दोनों को डिफ़ाइन करना पड़ता है, आप जीरो भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 kN लेता हूँ और 1.5 kN लेता हूँ, और थिकनेस मैं ले लेता हूँ 150। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम ये तीनों को पकड़ के कॉपी कर लेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि सेम चीज़ हमें सारी जितनी स्लैब हैं सब के लिए देनी है। तो ये कंट्रोल भी कर दूँगा, तो ये सारे, ये जो हमने लोड लिया है सारे स्लैब के लिए ले लिया। ओके, सो अब जाते हैं हम, अगर आपको सेटिंग करनी है डिज़ाइन पैरामीटर्स, ये सारे पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू IS456 हैं। ओके, हमें अगर बेंड अप डिटेलिंग में बेंड अप चाहिए, बेंड अप बार चाहिए या कर्टेल्ड बार चाहिए, वो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। मुझे बेंड अप बार चाहिए, और मैं आपको जब सेक्शन काटूँगा तो उसमें दिखाऊँगा बेंड अप बार्स वगैरह। ओके, डिटेलिंग में रिबार्स और स्पेसिंग और यहाँ पर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, कर देते हैं।
तो आपको डिज़ाइन में जाना है, ऑटो डिज़ाइन क्लिक कर देना है। सेम चीज़ ऑटो डिज़ाइन, ये डिज़ाइन हो जाएगा, बट बीम और कॉलम के केस में ऐसे नहीं होता। बीम और कॉलम के केस में लोड कॉम्बिनेशन भी डिफाइन करना पड़ता है। ओके सो ये सिर्फ बीम में होता है ऐसा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिज़ाइन पूरी होके आ गई, स्टील ग्रेड हो गया, बॉटम में कितनी रेनफोर्समेंट, टॉप में कितनी रेनफोर्समेंट, ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद आप ऑटो यहाँ पे रिपोर्ट में जाके इसकी सारी चीज़ें कैड फाइल देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ टेक्स्ट शेड्यूल पे गया तो ये सेम चीज़ आपको टेक्स्ट में आ जाएगी, ऑटो कैड फाइल में। ये ऑटो कैड फाइल है। ओके यहाँ लेफ्ट साइड में ये सेव का बटन है, यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू जनरल अरेंजमेंट प्लान, ये सिर्फ आपका जो लेआउट होगा उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। थिकनेस दिखा दिया है, स्लैब का नाम दिखा दिया है, और वन वे टू वे डायरेक्शन दिखा दिया। ओके नाउ इन प्लान डिटेलिंग, इन प्लान डिटेलिंग में आप पाएंगे कि जो हमारा रेनफोर्समेंट है प्लान में कैसे दिखेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं आप। एज यू कैन सी बहुत सारा मतलब इसमें ओवरलैप कर रहा है, टेक्स्ट साइज काफ़ी बड़ा है तो इसमें सही से नहीं आ पा रहा है। तो टेक्स्ट साइज यहाँ से आप ड्राइंग स्टाइल में मॉडिफाई ड्राइंग स्टाइल, यहाँ से जाके आप टेक्स्ट काफ़ी छोटा कर सकते हैं। 200 कर दीजिए इसको, 125 में कर देता हूँ, 150 में कर देता हूँ, 175, 125, 125, 125, ये मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, इसको 80 कर देता हूँ। अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप कलर वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ओके अगर आपको ड्राइंग सारी इंच में चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर मैं ओके कर देता हूँ। अब मुझे फिर से प्लान डिटेलिंग में जानी है। तो यहाँ पे कुछ कुछ हुआ है, बाकी आप इसको ऑटो कैड में इंपोर्ट करके इसकी साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे इस डायरेक्शन में हमारा, अगर एक्स माने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में 8 बार हैं, 275 मीटर, 275 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है एमएम की, है ना। और इसमें कहाँ से बेंट अप होगा 1165, ये डिस्टेंस भी बकायदा मार्क करके रखी हुई है ना। प्लान डिटेलिंग तो हो गई। अगर आप क्रॉस सेक्शन चाहते हैं, मीन्स कि ये जो हमारा ग्रिड 3 है ना, इसके अलॉन्ग क्रॉस सेक्शन चाहते हैं हमारा जो ये स्लैब है, तो वो यहाँ से होता है स्लैब सेक्शन। तो स्लैब सेक्शन के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा प्लान में आपके लिए। आपको यहाँ पे सपोर्ट की डिटेल पूछेगा, सपोर्ट मतलब यहाँ पे बीम होगी तो बीम की डेप्थ वगैरह मार्क करना होगा। और जैसे ये हमारा बीम B1 हो गया, B17 हो गया, बीम 19 दिख रहा है, बीम 21, तो इसका कुछ नाम देना पड़ता है। तो कितने स्लैब का सेक्शन चाहते हैं, मैं चाहूँ तो 2 स्लैब का सेक्शन निकाल सकता हूँ S1 S2, मैं चाहूँ तो पूरे का निकाल सकता हूँ इस डायरेक्शन में S1 S2 S3 S4 S5। ओके और मैं इधर से इस डायरेक्शन में S1 S6 का भी निकाल सकता हूँ। तो मैं सिर्फ इस डायरेक्शन में S1 S2 S3 S4 S5 का सेक्शन में काट के आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जाएंगे स्लैब सेक्शन में, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कितना स्लैब रहेगा, 5। ओके तो आपको सेक्शन यहाँ पे 3 दे देना है, और यहाँ से इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा S1, सॉरी S1 S2 S3, ये हो गया हमारा S4, ये हो गया हमारा S5। ओके नाउ लेफ्ट सपोर्ट मार्क देना पड़ेगा आपको, मैं ए दे दे रहा हूँ लेफ्ट सपोर्ट में। और लेफ्ट सपोर्ट थिकनेस, हमारी बीम की थिकनेस 350 थी, 350 वो जो आपको सेक्शन में दिखेगा। ओके फिर राइट साइड में सपोर्ट सेम चीज़, सॉरी यहाँ पे मार्क करना है तो मार्क मैं दे देता हूँ B, सपोर्ट डिटेल में 350, फिर 350। ओके फिर 350, 350, 350, सॉरी, क्योंकि हमारी जो सपोर्ट डिटेल है चारों तरफ बीम सेम है, अगर आपका डिफरेंट हो उसी अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। ओके नाउ सपोर्ट ये बार बार आपसे नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा, अब इसको हम वन सेकेंड, हमारा अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो ये सपोर्ट हमें पूछेगा। बीच से फिर सी पे आएंगे हम, सी नाम दे देते हैं, फिर डी नाम दे देते हैं, फिर ई एफ, ये मैंने सपोर्ट नाम दे दिए, अभी आप सेक्शन में देख पाएंगे सब। एज यू कैन सी मैंने सपोर्ट यहाँ पे ए दिया था, बी दिया था, सी दिया था, डी दिया था, ई दिया था, एफ दिया था, तो ये हमारी पांचों बीम स्लैब का बन के चलाया। लाइक स्लैब S1 ये है, 2A स्लैब थिकनेस है, रेनफोर्समेंट यहाँ से बेंड अप हो रहा है 445,
डिस्टेंस पे, और ऊपर की रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी बहुत ही विद यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी विद डिटेलिंग। ओके, कैसे बेंड अप, डेवलपमेंट लेंथ, कितनी सारी सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये रहा हमारा डिटेलिंग में कैसे क्रॉस सेक्शन काटते हैं। ओके, स्टेयर केस है अगर आपके पास तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट डिज़ाइन कैलकुलेशन के ऊपर। डिज़ाइन आपको किस स्लैब का चाहिए, S1 या फिर सारे का? मैं S1 का निकाल के जस्ट आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। S1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी, जो आपने यहाँ प्रोजेक्ट का नाम वगैरह सेव किया होगा ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और यहाँ पे सारे सर्व कैलकुलेशंस आ जाएंगी। लाइक अगर हम IS कोड के हिसाब से जब निकालते हैं तो इफेक्टिव डेप्थ वगैरह, स्लैब मोमेंट कोफिशेंट निकालते हैं। ओके, IS कोड के हिसाब से तो ये सारी चीज़ें यहाँ से अगर आप निकालते हैं, मैनुअली करते हैं, तो यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट, एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड कितना आ रहा है, प्रोवाइडेड कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेशन पूरी मिल जाएंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, डिज़ाइन ऑफ बीम। ओके, अगले वीडियो में बीम की डिज़ाइनिंग होगी। थैंक यू।